हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, फिर से आज हम स्टार्ट करते हैं डे फोर जो है अपना केडी पब्लिकेशन बुक का। ठीक है दोस्तों, इसका एक सीरीज चल रहा है, जो लोग नए हैं उनको नहीं पता है वो लोग फिर सुन लो। अगर फर्स्ट बार आप इस सीरीज को देख रहे हो तो इसका एक सीरीज चल रहा है जो पार्ट 1, 2, 3 हो गया है और ये 4 है, और डेली इसका मैं PDF भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, फिर आपको PDF मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर से स्टार्ट करते हैं। अब 31 नंबर हमारा क्या है, हमने 30 तक किया था ना, देखिए 31 में क्या। और इसमें आपको क्या मिलता है, 10 जो है वर्ड मीनिंग मिलता है केडी पब्लिकेशन बुक का, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलते हैं और 10 जो है आइडियम फ्रेजेस मिलते हैं। टोटल 30 जो है वो क्या आपको डेली मिलते हैं। अगर आप एक मंथ कंटिन्यू से देखते हो तो आपको कितने हो जाएंगे टोटल डेली 30 जो है 900। दोस्तों 900 मतलब एक मंथ में आपको वो कैब याद हो जाएगी, हमारा टारगेट ये है। तो चलिए अब तक पता चल गया होगा, तो अब चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब देख रहे हो 31 में क्या है दोस्तों, एकोलेड। एकोलेड का मतलब क्या होता है, पुरस्कार या फिर अवार्ड ऑफ मेरिट। एकोलेड का मतलब क्या होता है, पुरस्कार देना या फिर पुरस्कार से सम्मानित करना। अगर आपने किसी काम में अच्छा परफॉर्मेंस किया तो वो क्या मिलता है, एकोलेड। ठीक है, मतलब पुरस्कार मिलता है। चलिए 32, एकम्प्लाइस। एकम्प्लाइस का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुनाह का साथी, पार्टनर इन क्राइम। मान लो कि आपका कोई फ्रेंड जो है क्राइम कर रहा है और उसमें आप भी अगर मददगार हो, आप भी उसके साथ में हो, तो आप क्या हो गए, एकम्प्लाइस। एकम्प्लाइस का मतलब क्या दोस्तों, गुनाह का साथी या फिर गुनाहगार का साथी। चलिए 33 में क्या, एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, सामंजस्य से, एग्रीमेंट। मतलब वही असामंजस्य से अगर आपको नहीं समझ में आ जाओ, नहीं आ रहा है, तो आप समझ लो कि एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट मतलब सहमति। एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, ठीक है, और एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सहमति। अब देखो दोस्तों, एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। अगर किसी गलत काम में आप पकड़े गए तो क्या होते हैं, आरोपी, वही होते हैं एक्यूज्ड। अब देखो, वन हु इज अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट, वही बात हुई। अब देखो 35 में क्या है, एक्मी। एक्मी का मतलब क्या होता है दोस्तों, शिखर। शिखर जैसे पिक होता है ना, माउंटेन का क्या होता है, पिक होता है ना। मान लो ये माउंटेन है तो उसका पिक रहता है ऊपर में, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका साइनोनिम हो जाएगा पिक का, तो एक्मी। अब बोलना पीक पे नहीं, आपको एक्मी पे जाना है, ठीक है, तो मतलब शिखर पे जाना है, टॉप पे जाना है। 36 में क्या दोस्तों, एक्वाइट। एक्वाइट का मतलब बरी कर देना, ठीक है, और क्विट का मतलब क्या होता है, निकल जाना, और एक्वाइट का मतलब बरी कर देना। तो समझ लो आप कि अगर गलत काम से आप क्विट हो गए, मतलब बरी हो गए, एक्वाइट हो गए। डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, मतलब डिक्लेयर कर देना कि आप जो दोषी नहीं हो। 37 मतलब अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनुकूल बनाना। टू चेंज द सूट डिफरेंट एनवायरमेंट, मतलब देखो अडेप्ट का मतलब कैसे आपको याद हो जाएगा। अब जब डायनासोर थे दोस्तों, तो उन्होंने जब टेम्परेचर क्या होने लगा, पृथ्वी के जैसे जैसे बढ़ने लगा टेम्परेचर, हाई होने लगा, तो क्या नहीं कर पाए, अडेप्ट नहीं हो पाए पृथ्वी पे, मतलब उसके अनुकूल नहीं हो पाए वो लोग, क्या हो गए, मर गए। अब वैसे आप समझ लो, समझ में आ गया कि अडेप्ट का मतलब क्या होता है, अनुकूल रहना, ठीक है। कहीं मान लो कि आपको गर्मी, मतलब गर्मी में रहने की आदत है, तो आपको ठंडे जगह पे आप अडेप्ट नहीं कर पाओगे। आपको अगर आप ठंडे प्रदेश से हो तो आपको गर्म प्रदेश में फिर ले आया जाए, तो वो जो है वहाँ गर्मी को क्या करेंगे, अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखो दोस्तों, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, ये अडेप्ट और ये अडेप्ट, यहाँ पर ए है और सिर्फ इसमें ई है। ई का मतलब होता है निपुण, मतलब प्रोफिशिएंट। अगर किसी काम, मतलब कोई काम कर रहे हो उसमें क्या निपुण हो जाते हो, जैसा सपोज दैट आप किसी कंपनी में, मान लो कि फर्स्ट पर आपको जॉब मिला है और किसी काम के लिए, तो वहाँ पे काम आपको नहीं आता है करने के लिए, ठीक है, बट कुछ दिन आप वहाँ पे काम कर लेते हो तो आपको वहाँ से क्या आता है, काम अच्छे से आप सीख लेते हो, और सीखने के बाद क्या होगा, आपको प्रॉफिट होता है। तो वही प्रॉफिट कब होता है, जब आप प्रोफिशिएंट हो जाते हो। प्रॉफिट कब होता है, जब प्रोफिशिएंट हो जाते हो, मतलब निपुण हो जाते हो, और निपुण का दूसरा क्या होता है, अडेप्ट। अब देखो दोस्तों, 39 में क्या है, एडोलेसेंट। एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है, किशोर। ये तो आपको याद होगा, किशोर, वन हु इज ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, तो इसमें ज़्यादा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों, एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, मिक्सिंग सब अनडिजायर्ड कम्युनिटी। अब देखो दोस्तों, हर एक चीज़ जो हमारे मार्केट में क्या है, मिलावटी चीज़ें रह रही है, ठीक है। अब देखो, मान लो क्या, हम लोग चावल में भी देखते हो कि कुछ डुप्लीकेट जो मिलाया जाता है, मतलब कंकड़ पत्थर मिला दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एडल्ट्रेशन, अब यहाँ पे क्या है, अगर एडल्ट मतलब इसको हम काट देते हैं तो क्या बचा, राशन, RATION, राशन। अब राशन का मतलब क्या होता है, समझ गए होगे आप, चावल, दाल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें होगी राशन, राशन की चीज़ें हैं ना, और राशन में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन। तो अब समझ गए, एडल्ट्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, मिलावट। अब देखो दोस्तों, एडल्ट्री,
अब मैंने ये 10 ही करना था, बट एक्स्ट्रा मैंने क्या लिखा है 11 दिया है, 41 नंबर भी दिया मैंने, क्योंकि एडल्ट से ही बनाया क्या, सेम टू सेम लग रहा है आपको देखने में एडल्ट ही, तो आप इसका भी मतलब ये मत सोचना कि मिलावट होता है, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया है। एडल्ट्री का मतलब होता है विवाहेतर संबंध, मतलब आपका शादी हो चुका है फिर भी आप किसी और मतलब फीमेल के साथ रिलेशनशिप रखते हो, तो उसे क्या बोलते हैं एडल्ट्री, मतलब टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज। अब देखो दोस्तों, वन वन सब्स्टिट्यूशन हमारा आ गया। अब पहले 31 से पहले हम 32 देख लेते हैं, 31 बाद में देखना। एनआरसी, एनआरसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, अराजकता, ठीक है। अराजकता का मतलब क्या होता है, द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, मतलब मान लो कोई कंट्री है, कोई देश है, अगर वहाँ पे कोई सरकार नहीं है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं अराजकता, एनआरसी। अगर क्या है कोई सरकार नहीं है तो क्या बोलते हैं एनआरसी, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या 31 में, एनआरचिस्ट अराजक, वन हु इज विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर। अब देखो, अगर मान लो कोई देश में सरकार नहीं है दोस्तों, उसे एनआरसी कहेंगे, और जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सरकार नहीं रहे कभी भी, उसे एनआरचिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए 33, एनिकडोट, एनिकडोट का मतलब होता है दोस्तों किस्सा, ठीक है, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। मान लो कुछ आप इवेंट से देख के आते हो, ठीक है, और आप मनोरंजन के तौर पे अगर आप किसी को बताते हो, शॉर्ट में बता देते हो उसके बारे में, शॉर्ट कहानी बता देते हो, तो क्या हो गया एनेकडॉट, मतलब किस्सा। 34 देखो, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी का मतलब क्या होता है, सालगिरह। अब तो एनिवर्सरी के बारे में तो बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है एनिवर्सरी का मतलब क्या होता है। और एनुअल, एनुअल का मतलब होता है सालाना, साल में एक बार होने वाला। अब देखो दोस्तों, ए डबल एन यहाँ पर भी लगा और ए डबल एन, एन से अगर लग के अगर कोई वर्ड आता है तो समझना कि उसमें साल में एक बार होने वाली चीज आने वाली है। अब देखो 36 क्या बोलते हैं, 36 में एनोमाली, एनोमाली का मतलब होता है असाधारण, ठीक है, या पढ़ लेना पीडीएफ में नोट करके, एनोमाली का मतलब होते हैं असाधारण, ठीक है। अब देखो 37 में क्या है, एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब गुमनाम, ए बुक और ए वर्क ऑफ वाट ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन, मतलब मान लो कि कोई बुक है या फिर कोई काम कर रहे हो आप, उसके मालिक के बारे में हमें पता नहीं है कि कौन भाई इसका बुक का राइटर कौन है या फिर काम किसने किया, तो उसे क्या बोलते हैं एनोनिमस, गुमनाम। अब देखो 38 में क्या दोस्तों, एंटागोनिस्ट। अब एंटी मतलब क्या होता है दोस्तों, विरोधी, एंटी मतलब विरोधी, तो अब एंटी से बना क्या एंटागोनिस्ट, मतलब विरोधी, वन डेट अपोजेस अदर, जो हमेशा दूसरे का क्या करता है विरोध करते रहता है। अब देखो 39 में, एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब क्या होता है जहर नाशक। अब दोस्तों देखो, आप क्रिस 3 मूवी देखे होंगे, ठीक है, उसमें क्या बनाते हैं वो लोग, जो आपका विलेन रहते हैं विवेक ओबेरॉय, तो वो क्या करते हैं कि आपको क्या अपने ब्लड से क्या बनाते हैं वायरस बनाते हैं, ठीक है। और अपने वायरस को सर ख़त्म करने के लिए देखा होगा, जो क्रिस ने ऋतिक रोशन ने क्या बनाया था, ऋतिक रोशन ने क्या बनाया था उसका, उस वायरस को ख़त्म करने के लिए कुछ दवा बनाए थे, तो उसमें एक वर्ड यूज किया जा रहा था बार बार, एंटीडोट, मतलब एंटीडोट वही जो किसी जहर को उसका असर काटने वाला दवा जब बनाया जाता है तो उसे एंटीडोट बनाते हैं, ठीक है, एंटीडोट कहते हैं। अब समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे दिया भी हुआ है, ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब जहर का जो असर काटने को दवा क्या बोलते हैं एंटीडोट। अब 14 देखो दोस्तों, एफेसिया, एफेसिया का मतलब वाचाघात, मतलब लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, मान लो कोई कुछ बोल रहा है आप उसे समझ ही नहीं पा रहे हो, मतलब कोई समझ मतलब किसी की बातों को समझने की शक्ति अगर खो देता है उसे क्या बोलते हैं एफेसिया, एफेसिया मतलब वाचाघात। अब देखो दोस्तों, आइडियंस एंड फ्रेजेस, 31 में क्या दोस्तों, बीट हॉलो, तो आप देखिए यहाँ पे बीट हॉलो का मतलब क्या होता है, काफ़ी आसानी हो बुरी तरह से पराजित करना, बीट हॉलो का मतलब काफ़ी आसानी से आप लोग क्या कर रहे हो और बुरी तरह से किसी को हरा दे रहे हो, मतलब पराजित कर रहे हो, डिफीट कर दे रहे हो, उसे क्या बोलते हैं बीट हॉलो। अब यहाँ पे बीट हॉलो का मतलब ये इनकी पिटना नहीं है किसी को, किसी को हराने से रिलेटेड है। 32 में देखो आप, बेक एंड कॉल, बेक एंड कॉल का मतलब होता है आज्ञा में रहना, मतलब हमेशा किसी के ओबे में रहना, ठीक है, बेक एंड कॉल का मतलब क्या होता है आज्ञा में रहना। अब 33 देखो, बेड ऑफ रोजेज, मान लो कि आपकी रोज रहती है मतलब गुलाब की पंखुड़ियों पर, और बेड पे कब सजा के आप सोओगे, जब आपके पास मतलब आपका दिन जो बहुत कोई पार्टी वगैरह रहेगा आप खुश रहोगे तब ना, वो देखो आनंद से भरपूर, मान लो आपके बेड पे अगर फूल पूरा डाल के आप सो रहे हो उसका मतलब क्या है कि आप खुशी वाला दिन क्या बिता रहे हो, है ना, खुशियों में दिन आपका गुजर रहा है। लेकिन ये देखो बेड ऑफ थॉर्न्स, मतलब आपके बेड पर अगर काटा है तो अगर आप उस पर सो जाते हो तो वो कैसा लगेगा, गड़ेगा चुभेगा,
दुख भरा मतलब दुख भरा दिन हो जाएगा आपका वो, तो वही क्या हुआ, दुख से भरपूर। अब बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, वर्णन है ना, और बेगर मतलब बिना, किसी का जब वर्णन नहीं रहता है तो क्या बोलते हैं, अवर्णनीय। 36 देखिए, बेल द कैट। अब मानिए कोई चूहा बिल्ली के, बिल्ली को क्या कह रहा है कि बेल मतलब घंटी पहनाने जा रहा है, तो उसके लिए जोखिम भरा काम है ना, मतलब रिस्की काम है ना, तो वही है बेल द कैट मतलब जोखिम उठाना। 37 बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अब ये देख रहे हो डीप और यहाँ पे सी, मतलब डेविल का मतलब क्या होता है, शैतानी, शैतानी ताकतों के बीच मतलब भूत प्रेत के बीच, और आप एक डीप सी मतलब गहरी खाई के बीच, दोनों के बीच में अगर आप फंसे हो, फंसे हुए हो, तो अब दोनों तरफ किधर भी जाओगे तो परेशानी ही है, तो वही होती है दो गंभीर परेशानियों के बीच। 39 देखो, बिग गन। बिग गन का मतलब होता है क्या, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। अब आपको याद नहीं होता बिग गन का मतलब क्या, तो देखो जो चोर चक्के होते हैं उनकी ज़्यादा पैरवी नहीं होती है, ऊंची पहुंच वाले नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास देखते हो पैरवी नहीं होती। और कैसे गन कैसे रहते हैं दोस्तों, छोटी वाली गन रखते हैं, क्योंकि उनकी पैरवी नहीं होती, वो पकड़े जाएंगे तो पुलिस उनको पकड़ लेगी। लेकिन दोस्तों किसी जब बड़े व्यक्ति देखते हो, जैसे आप सांसद, विधायक वगैरह, MLA लोग को देखते हो, उन लोग के पास कैसी बड़ी बड़ी गन रहती हैं, आप याद करने का तरीका देखो ये, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा मैं बता रहा हूँ, आपको याद करने का तरीका है ये, बड़ी बड़ी गन रखते हैं वो लोग, क्योंकि उन लोगों के पास क्या होती है, ऊंची पहुंच वाले व्यक्ति होते हैं ना। लेकिन चोर चक्के जो होते हैं, छोटे मोटे लोफा लोग, उनके पास छोटी छोटी बंदूक रहती है कि वो छुपा के रख सकते हैं। अब बिग गन किसके पास रहती है, अब जो ऊंची पहुंच वाले व्यक्ति रहते हैं, अब इस तरीके से आप इसे याद करते हो, ठीक है। 39 देखो, बर्ड ऑफ पैसेज। चिड़िया मान लो कि क्या होती है, कभी यहाँ पे होती है, कभी वहाँ होती है, उड़ते चलती है, फुदकते चलती है, तो क्या बोलते हैं, यदा कदा आने वाली, ठीक है, बर्ड ऑफ पैसेज मतलब यदा कदा रहने वाली। अब देखो 40 देखो दोस्तों, बर्ड्स आई व्यू। अब मान लो चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, और वो हर एक चीज़ देखते जा रही है, तो किसी भी चीज़ को अच्छे से देख नहीं रही है, सरसरी निगाह से देखते हुए निकल जा रही है, ठीक है। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या हुआ, ओवर व्यू मतलब हल्का फुल्का देखते चल जाना, कोई अच्छा से किसी चीज़ को नहीं देखना, बस देख के आगे निकलते चल जाना, वही हो गया सरसरी निगाह से। चलिए दोस्तों, आज 30 तो फिर हमने कंप्लीट कर दिया, 30 से एक ज़्यादा ही कर लिया, कोई बात नहीं दोस्तों। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।